साथियों, आप लोगों को पता है कि मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट दिया और यह जजमेंट कोरोना वायरस एक बम है, ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। किसके खिलाफ? तबलीगी जमात के खिलाफ। तबलीगी जमात कौन है, ये लोग कहां से आते हैं और ये लोग कैसे होते हैं? ये लोगों ने इस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान में लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम किया। लेकिन इसका ये जजमेंट आने के बाद ऐसे मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल के मुंह पे करारा तमाचा है और कुछ ऐसे चंद नेता जो इनकी वाहवाही लूट रहे थे, अपनी पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे और ये कह रहे थे ये तबलीगी जमात नहीं है, ये पाकिस्तान से भेजा गया एक वायरस है जिसने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाया। अब जबकि डिवीजन बेंचेस ने मुंबई हाई कोर्ट की ये फैसला लिया और ये इनकी एफआईआरों को क्वॉश किया गया और सभी एफआईआरें रद्द करने के आदेश दिए गए। उसके साथ एपीपी वहां पर इसका ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि जज साहब इनके ऑर्डर को स्टे करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है इनके ऑर्डर को स्टे करने के लिए, अगर आज ऑर्डर होता है तो कल ये हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं चले जा रहे, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है। जिस तरह से आपको पता है पूरी प्रक्रिया, जिस तरह से हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में फिर भी आज हम दो वायरस से जूझ रहे हैं, एक तो कोरोना वायरस और एक हिंदू मुसलमान का वायरस। ये वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक साबित हो रहा है, ये आपने भली भांति जानते हैं। आपने देखा कि मौलाना साद के ऊपर दिल्ली में वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक आदेश दिया कि उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए, साथ ही साथ उनके साथ जितने लोग थे उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए, लेकिन उनको ये पता है कि मरकज आज नहीं बना, मरकज कई अरसों से उस जगह पर है, वहाँ पर इस्लामिक प्रोग्राम सदियों से चलते हैं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ के ठहरते हैं और वहाँ से सब लोग अपनी अपनी स्टेटों में जाते हैं, बहुत सारी जहाँ उन्हें ठिकाना दिया जाता है, जहाँ उन्हें बताया जाता है आपको यहाँ जाना है, यहाँ शांति के प्रतीक एक मैसेज देना है इस्लाम के बारे में, वो लोग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जहर को भी फैलने से मीडिया वाले नहीं रोक पाए, उनके जो दिल में भड़ास थी उन्होंने निकाला, लेकिन उसके बाद भी मुंबई हाई कोर्ट ने उनके मुंह पे करारा तमाचा दिया। तमाचा मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि उनकी बोलती बंद कर दी, क्योंकि दिन रात टीवी पर आपको पता होगा भली भांति कहने वाले ये है कोरोना बम, ये है कोरोना वायरस के असली मुजरिम, ऐसा कह कह के चिल्ला रहे थे, सुन रहे हो ना ये मुसलमान गद्दार हैं, सुन रहे हो ना इन्होंने लाया कोरोना वायरस। आखिर ये लोग कौन कह रहे थे, कौन ऐसे चैनलों को समर्थन करता और आज ये क्यों चुप है? आज कोई चैनल पे डिबेट नहीं हो रहा, कोई चैनल पे कोई आ गया कि ये नहीं कह रहा कि आज कोरोना वायरस इनकी वजह से नहीं फैला, कोरोना वायरस आज सरकार की विफलताएं छुपाने की वजह से इन तबलीगी जमात वालों को बलि का बकरा बनाया गया, ऐसा जजमेंट में, ऑर्डर में मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज आप भली भांति जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। ये गंगा जमुना तहजीब का देश कहलाया जाता है, हम इज्जत देते हैं, हम इज्जत लेते हैं, आज हम उन्हें इज्जत देंगे तो बाहर देश में जब आप लोग जाओगे, आपके बच्चे जाते हैं तो आपको भी इज्जत उसी तरह से मिलेगी। अगर आज आपने उनके साथ जो सलूक किया, जबरन तरीके से एफआईआर लॉन्च की गई, उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें कम से कम 20 से 25 दिन जेल में रखा गया, उनकी बेल रिजेक्ट हुई, उसके बाद बेल होती है। मैं तमाम उन सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इनकी एफआईआर कॉश कराने में पूरी पूरी मदद की और साथ ही साथ ये सरकार पे ये सवालिया निशान है, क्या जमातियों की वजह से कोरोना आया था कि आपकी विफलताओं की वजह से? जब आपको पता था, जब आप हिंदुस्तान में ट्रंप का स्वागत कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त चीन ने नहीं पूरी दुनिया ने आपको ये आगाह कर दिया था कि आप लोग आपके एयरपोर्टों को पूरी तरह से चौकन्ने हो जाइए, स्क्रीनिंग चालू कर दीजिए, टेस्टिंग चालू कर दीजिए, लेकिन हम लोग एक हवा में थे, हम नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम में लगे थे,
उसके बाद से अहमदाबाद से शुरू होकर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आया। यही कहना चाहता हूं कि मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जहां पे मुंबई हाईकोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया, तो दिल्ली की सरकार भी अब ऐसे ऐतिहासिक जजमेंट के लिए हाईकोर्ट में अपनी एक याचिका दायर करें और जितने लोगों को आज जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, तबलीगी जमात वालों को उन्हें रिहा करें, और रिहा है तो उनकी FIR कॉश करके उन्हें बाइज्जत के साथ, पूरी इज्जत एहतराम के साथ उनके विदेश में जाने का इंतजाम करें। यह हिंदुस्तान का सलीका है और यह हिंदुस्तान की सभ्यता सिखाती है। यहां पर हम सब मिल के रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां पर आपने आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया, आपने आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया, आपने आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया, तो आप आज संविधान को तोड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा करने वालों को तोड़ रहे हैं। बस कीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जहर घोलने की राजनीति बस कीजिए। या ये याद है आपको, लगेगी आंख तो आएंगे कहीं घर सद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये बात हमारे राहत इंदौरी साहब जाते जाते हमारे बीच छोड़ गए हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान के वायरस को इस देश से हटाना है और भाई भाई का चारा, एक दूसरे में मोहब्बत का चारा हमें फैलाना है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। की आवाज